हेलो दोस्तों, मैं डीके जोशी आपका लॉ एंड लॉज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संपत्ति विवाद को कैसे निपटाया जा सकता है जल्द से जल्द, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि फैमिली सेटलमेंट की प्रक्रिया क्या है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि फैमिली सेटलमेंट के फ़ायदे क्या हैं, क्या यह एक लीगल डॉक्यूमेंट बन सकता है, और टैक्स बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम आज सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके बंटवारे होने नितांत आवश्यक हैं, और कभी न कभी इस बंटवारे से किसी न किसी व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है। दोस्तों, संपत्ति विवाद एक ऐसा मामला है जो अक्सर हमें इसके बारे में जानने सुनने को मिलता ही है, चाहे कोई परिवार गरीब हो चाहे अमीर, या छोटा हो या बड़ा, संपत्ति बंटवारे के मामले में बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं। तो इसमें व्यक्तियों को लगता है कि अब एकमात्र रास्ता कोर्ट होता है, तो कोर्ट में जब मुकदमा दाखिल किया जाता है तो वहाँ पर भी बरसों जब लग जाते हैं, तो वह प्रक्रिया न केवल समय खर्च करने वाली होती है बल्कि खूब पैसा खर्च करने वाली भी होती है, और उसके बावजूद भी अभी यह कहीं पर ऐसी गारंटी नहीं दिख रही होती है कि समाधान अब हो ही जाएगा। तो क्या बेहतर विकल्प है संपत्ति विवादों के निपटारे के लिए? एक बेहतर विकल्प हो सकता है पारिवारिक समझौता, यानी फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। फैमिली सेटलमेंट एक प्रकार का समझौता है जिसके माध्यम से परिवार के सदस्य आपस में मिल करके यह तय कर लेते हैं कि कौन सी संपत्ति किसके हिस्से में जाएगी। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न भी आ रहा होगा कि क्या न्यायालयों में लंबित संपत्ति से जुड़े हुए मामले, जो पारिवारिक संपत्ति बंटवारे से जुड़े हुए मामले हैं, क्या उन पर भी हम आज की डेट में उनके लंबित होने के दौरान फैमिली सेटलमेंट से यह समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? तो हाँ, निश्चित रूप से आप कभी भी अपने पारिवारिक संपत्ति के मामलों को सेटलमेंट के द्वारा तय कर सकते हैं। फैमिली सेटलमेंट के उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी परिवार के तीन लोग हैं जिनके बीच में पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा होना है, संपत्ति है जैसे मकान, ऑफिस और जेवरात, और दो भाई हैं और एक बहन, तो इसमें वो आपस में मिल करके फैमिली सेटलमेंट के माध्यम से तीनों लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़े भाई को मकान दे सकते हैं, और ज्वेलरी बहन के हिस्से में जा सकती है, और जो दुकान है यानी ऑफिस बिल्डिंग है वह दूसरे भाई को जा सकता है। तो इस प्रकार से यह फैमिली सेटलमेंट के माध्यम से संपत्ति के बंटवारे का निदान किया जा सकता है। और मैं खुद अपना अनुभव अगर बताऊं तो हम खुद चार भाई हैं, और हमने अपनी प्रॉपर्टी इस तरह से आपस में आपसी सहमति से बांटी कि उसमें कभी कोई विवाद की कोई गुंजाइश ही न रहे। कोशिश ये करनी चाहिए कि सपोज कोई एक प्रॉपर्टी हो, उसमें अगर आप तीन हिस्से करना चाहें तो वह प्रॉपर्टी अगर बहुत छोटी हो तो बचें उनके हिस्से करने से, बल्कि उसको पूरा कंप्लीट, पूरा एक हिस्सा, पूरा वो उस प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा एक व्यक्ति को दे दें, ताकि भविष्य में ऐसे कई विवाद जो उत्पन्न हो सकते हैं उनकी संभावना ही न रहे। और ये हमने किया ये प्रयोग, और हमें वो बहुत उपयोगी लगा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि फैमिली सेटलमेंट के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि जो विवाद न्यायालयों तक जाता है और लंबी जद्दोजहद होती है, वर्षों तक मुकदमे में तारीख आपको झेलनी पड़ती है, न केवल आपका समय जाया होता है, न केवल आपके पैसे की बर्बादी होती है, साथ में आपकी जो फजीहत होती है उससे फैमिली सेटलमेंट के माध्यम से हम बच सकते हैं। फैमिली सेटलमेंट का यह भी फायदा होगा कि आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, और बच्चों के लिए या सभी पारिवारिक सदस्यों के लिए एक शांतिमय वातावरण रहेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है।
दोस्तों हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होगी। प्रक्रिया यह है कि कोई किसी तीसरे व्यक्ति, अगर हो सके तो किसी वकील को आप रख सकते हैं या कोई परिवार का वरिष्ठ सदस्य की उपस्थिति में जो व्यक्ति आपकी मदद करेगा, सदस्यों को आपसी सहमति बनाने में मदद करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी संपत्ति किस किस के नाम जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जो जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं फैमिली सेटलमेंट के तहत जो भी बंटवारे हो रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में सबके हस्ताक्षर अंकित किए जाएं और यदि हो सके तो दो गवाहों के भी उसमें हस्ताक्षर अंकित करें। यद्यपि गवाहों का होना अति आवश्यक नहीं है। और उसके बाद जो स्टेप बहुत महत्वपूर्ण आता है वह उस डॉक्यूमेंट का, जो आपने समझौता पत्र तैयार किया है फैमिली सेटलमेंट का, उसको पंजीकृत करने का। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आप संबंधित लोकल में या अपने नज़दीकी सब रजिस्ट्रार के यहाँ जा कर के, निबंधक के यहाँ जा कर के उस फैमिली सेटलमेंट को पक्का रजिस्टर कर सकते हैं ताकि वह एक भविष्य के लिए एक पक्का लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट बने, ताकि कभी भी किसी प्रकार के कोई विवादों से बचा जा सके या कोई व्यक्ति अपने उन शर्तों में या उस बंटवारे से मुकर न सके। दोस्तों बहुत सारे लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं और इनकम टैक्स के मामले में अगर आपको इस फैमिली सेटलमेंट के बाद मिले संपत्ति का टैक्स बेनिफिट लेना है तो ऐसे संपत्ति को, चाहे आप गिफ्ट डीड के माध्यम से या सेल डीड के माध्यम से, अपने नाम रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपको कैपिटल गेन टैक्स आदि अन्य कई लाभ ले सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट से। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसे लगी आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और ऐसे ही ये व्यवहारिक जानकारियां कानून के दृष्टि में आपको लगातार मिलते रहे तो आप लॉ एंड लॉ चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको जैसे ही अगली उपयोगी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसको देख सकें।